मैं अभी डॉक्टर साहब के पास आया हूँ, मैं अपनी दवाई ले। हजाम की दवाई लेने के लिए हम पहुँच गए हैं। मैं अभी दवाई लेने आया हूँ और कुछ चाचू वो क्या कहते हैं दवाई लेते हैं, मेरी फूफा भी साथ आई हुई है, वहाँ से ना गोलियाँ लेते हैं जो होगा सीरा वगैरह वो अभी लेते हैं, दवाई का पर्चा लेके जा रहे हैं और देंगे अभी तो। अभी शहर आए थे इसलिए चाचू ने कहा और वो वाले ले लेते हैं। ये 200 रुपए है या 250 रुपए है? अभी लेते हैं उसे भी क्योंकि हम शहर आए थे इसलिए हमने कहा लेते हैं। दो सौ रुपये लगाए, महंगाई बहुत है। सुबह का टाइम है, मम्मा ना अभी बाबा को मुंह धुला रही हैं। हवा बस तेज से चल रही है, बहुत सर्दी है यहाँ। बाबा अभी ना उठ नहीं सकते इसलिए इधर ही करवाने। अभी मम्मा ना हाथ मुंह धुला रही हैं। ये देखें सारी चोटें यहाँ पर भी लगी, हाथ पे भी लगी, जिस्म पे। हाँ जी, मम्मा मैं कंघी उठाऊं? बेटा हाँ कंघी भी मैं करती हूँ उठा। इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर ही जाएगा, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाएगा मैं मेरे मालिक का। कल थोड़ा सा जो है ना हिले जो है ना उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, बहुत ज़्यादा। ज़रा सा हिलते हैं ना तो दर्द होने लग जाता है। नहीं बेटा अभी कंघा नहीं लगा रही मैं, ये कपड़े इस्त्री कर करा जाऊँ बाबा की कमीज, सिर्फ ये कमीज ऊपर से जो है ना चेंज करवा दूँ बाबा ऊपर। यहाँ पर हम इस्त्री करते हैं गोलियां पर मैंने ना शाम को सो चल क्यों नहीं रही
ठीक है नाश्ता लेकर आओ। बाबा ने नाश्ता कर लिया और क्या कहते हैं मेरा नाश्ता भी पकड़ा। अब मैं नाश्ता बना रही हूँ अभी। पापा कह रही है अंडे और लस्सी खाऊंगा मैं। अंडे ऊपर से लस्सी, वाह मजा ही आ जाता है। यस सब दोनों नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करके फिर आप जिसने खाना है आप आ जाए जल्दी जल्दी से वरना तो खत्म हो जाएगा। अभी मैंने नाश्ता कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। चलते हैं। बाबा ने भी कर लिया नाश्ता। उन्होंने कहा था यखनी खिलानी है और अंडे खिलाने दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। जो मेरे प्यारे बहन देश परदेश से देख रहे हैं आप, आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे और अपनी सम्मान में रखे। और बस अभी तबीयत जो है अल्हम्दुलिल्लाह से कुछ बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कि हड्डी थी ना वो अपनी जगह पे तो लग गई, लेकिन दर्द तो आपको पता है कि होना तो लाजमी है, दर्द अभी तो रहेगा, पता नहीं, देखते हैं जी। उन्होंने 25वें दिन कहा है कि चलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। आप सबने भी दुआ करनी है। और बाकी हमने तो बहुत ज़्यादा एहतियात की हुई है, एक ही जगह पे रखा हुआ है वैसी की वैसी। तकरीबन जो है ना सोमवार वाले दिन, पीर वाले दिन जो है ना पट्टी चेंज होगी। तकरीबन 3-4 दिन हो गए टांग एक ही जगह पे रखी हुई है, एक ही जगह पे रखी हुई है, इसको हिलाना चुलाना भी नहीं है बिल्कुल। इसकी वजह से फिर और भी ज़्यादा दर्द, रात को इनकी बेचैनी, रात को ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है, दिन में और ज़्यादा होती है। इस तरह से जो है ना बस अभी थोड़ी दिन रहेगी इंशाल्लाह जो है ना फिर हो जाएगी। और ये कि माशाल्लाह से बहुत सब्र वाले बड़े दिल वाले भी हैं, बहुत जो है ना दर्द इन्होंने सहा भी है। बस मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जान बच गई है। तो जिस तरह से मैं गिरा हूँ ना, असद भाई कह रहे हैं, असद भाई ने कहा कि मैं समझा कि एहतशाम अब बचा ही नहीं है जिस तरह से मैं गिरा हूँ। मैं शुक्र अल्लाह पाक अल्लाह लाख शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने जान बचा दी है। ये तो फिर भी कोई दिन तकलीफ हो गई जुड़ जाएगा ये इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, उनके सदके जो है हमें भी अपने अमान में रखे। और सबका तहे दिल से शुक्रिया, आप सब इतनी दुआएं कर रहे हैं तो शाम के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। आप सबके कमेंट में रीड करती हूँ और आप सब ने जो है मुझे हौसला भी दिया है। अजान ने, अजान का भी दिल से शुक्रिया। कल अजान ने वीडियो बनाई, अजान ने इतनी प्यारी कोई वीडियो बनाई है ना, हम खुद देख कर इसकी बातें सुनकर जो है ना हैरान रह गए। सब देख रहे इसकी वीडियो और सब हैरान हो रहे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें इतना छोटा सा बच्चा कैसे कर रहा है। तो बस अल्लाह ताला मेरे बच्चों को जो है अपनी अमान में रखे, सेहत वाली ज़िंदगी दे, अजान की भी दवाइयाँ जो है लेकर आ गए। जो इसके जो दर्द हो रहा था ना तो वो इंशाल्लाह जो है अब नहीं होगा, दवाई तो लेकर आ गए, बाकी अल्लाह की आगे मर्जी जो होगा इंशाल्लाह। आगे आगे आप सबके साथ शेयर करते रहेंगे, आप सबने वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। बस मैंने अभी नाश्ता करना है, शाम को नाश्ता वगैरह करवा दिए और मुँह पानी दे देते मुझे पानी तो अजलान जो है यहाँ पर सो रहा है झूले में, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है ना, हवा चल रही है, मैंने कहा ये सोया ही रहे अभी तो, चलें एक जगह पे सोया हुआ है। अभी हम ना यहाँ से आए हैं वहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर चाचू आ जाए और अब्बू भी आए हैं। आज हम भट्टा रेड़ा लेके आए हैं किसी का लिया।
आज जल्दी हो जाएगा क्योंकि चाचू भी साथ है। ये घास काटते हैं, मैं कुछ रखवा देता हूँ इनके साथ। मैंने ये तंगा बिछा दिया, ध्यान से चेक कर, ये मैं रखवा देता हूँ थोड़ा बहुत। सर्दी बहुत है, चाचू जल्दी जल्दी काटते हैं। अब यहाँ से जो नीचे नीचे जो घास नहीं होते, जो भी रह जाते हैं वो। मैंने कहा हेल्प भी करवा देता हूँ। चाचू ने कैमरा उठाया है पीछे। इनको बनवाना पड़ता है, ये दस्ती ये खुद बना लेते हैं। मेरे दादा खुद बनाते हैं दस्ती। मेरे दादा उसे फर्नीचर का काम करते थे, क्योंकि वो जैसे छोटे मोटे चीज़ें नहीं होती, जैसे ये खुद यहाँ पर ये कोठी थी यहाँ पर पहले, यहाँ पर मेरे दादा फर्नीचर बनाते थे, इतनी छोटी सी कोठी में। मेरे दादा पॉलिश भी करते थे, फर्नीचर बनाते थे। आज अब उदास हो रहे क्योंकि उनके दोस्त नहीं मिले, इसलिए वो कहीं गए। मैं ना उनका वो वाला घर है, वो अबू बहुत उदास है। चाचू काट रहे हैं। चाचू ये कहाँ तक काटो गया? अच्छा, बहुत मेहनत का काम है ये। और ये अबू का जो पुराना सा फर्नीचर का ये कारोबार था, इसी में इतनी छोटी सी वो झोपड़ी थी और इसी में वो करते थे। और ये पहले ना झोपड़ी होती थी, ये मतलब कपड़े की बनाई हुई थी। अबू ने थोड़े बहुत पैसे किए, किसी से उधार लिए और फिर इसको वो किया, फिर उनका उधार भी चुका लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। कितनी छोटी सी है, और गेट भी खुद दस्ती बनाया था इन्होंने। ये जो उजार ये पड़े नहीं होते थे, ये पता नहीं क्या कहूँ आपको, हमने बहुत ही मुश्किलात देखी हैं। यहाँ पर मम्मा का स्कूल होता था, इस जगह पे मैंने आपको पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, यहाँ पर स्कूल होता था। यहाँ पर बंदर वाला आता था, वो क्या कहते बच्चों को डरा के जाता था। मैं तो बहुत ही डरता था भाई। देखते हैं कहाँ तक पहुँचे भाई ये। वो जो है ना, आपको इधर से दिखाता हूँ, वो जो वो वाला घर है ना, वो मेरे दादा के भाई का घर है। अबू आज आप उदास हो बैठे हो, आपके दोस्त नहीं आए तो। अबू अब बोल रहे नहीं है क्योंकि उनके दोस्त बड़े अच्छे थे और वो छोड़ के चले गए अबू को। अबू उनको उनके घर भी गए थे कहने के लिए कि मेरा दोस्त कहाँ है, बिछड़ गया मेरा दोस्त। आए हाय, देखे बांधने का तरीका देखे। अभी जा रहे हैं वहां पर, बारिश हो रही है और
मैं लकड़ियाँ जो हैं अंदर रख रही हूँ, क्योंकि जो है ये काम आएंगी ना इस वजह से, इससे तो गीली हो जाएंगी तो फिर ये जलेंगी नहीं, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने सारी लकड़ियाँ जमा कर ली हैं, सर्दी भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। आप सब ने जो है एहतिशाम के लिए बहुत सारी दुआएं करनी, और आप सब दुआएं कर भी रहे हैं, बहुत तहदिल से आप सबका शुक्रिया, और अच्छे अच्छे आप सब कमेंट कर रहे हैं, बहुत दिल से खुशी होती है, सुकून मिलता है कि आप सब भी मेरी फैमिली मेंबर की तरह हैं। अल्लाह पाक आप सबको भी हमेशा सलामत रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मेरी दिल से सबके लिए दुआएँ आमीन, और आप सब ने भी मुझे दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह कल अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक देखिएगा अपना ख्याल और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।